सो गाइस फाइनली इस साल का मेरा एक और कमीशन वर्क कंप्लीट हो चुका है, जो कि ये मैं आपको दिखा सकता बिकॉज परमिशन नहीं है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कमीशन वर्क्स के बारे में। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो किस तरह से आपको 2020 में कमीशन वर्क मिल सकते हैं, और मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कमीशन वर्क से रिगार्डिंग। बिकॉज आपने देखा है मेरे व्लॉग्स में, मेरी वीडियोज़ में, कि मैं डेली डेली कमीशन वर्क कर रहा हूँ 2020 में। मतलब स्टार्टिंग से अभी तक एक दिन मैं फ्री नहीं हुआ, वैसे नहीं बैठा हूँ कि मेरे पास कमीशन वर्क नहीं है। अभी इसके बाद भी मेरे पास दो पेंडिंग में पड़े हैं, तो मेरे पास डेली डेली कमीशन वर्क्स आ रहे हैं। तो मैं आपको एक टिप्स दूंगा किस तरह से आपको भी मिल सकते हैं, और मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में कंप्लीट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो कमीशन वर्क होता क्या है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कमीशन वर्क बोलते हो आप वीडियो में, ये होता क्या है। मतलब काफ़ी लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कमीशन वर्क का मतलब होता है कि हम एक आर्टिस्ट हैं, हमको बनाना आता है, हमको कोई आर्ट वर्क बनाना आता है, कोई पोर्ट्रेट या फिर कुछ भी लैंडस्केप या फिर कुछ भी कोई हमसे बनवाता है और वो हमको पेमेंट करता है, तो वो होता है कमीशन वर्क। कि जो भी हमने बनाया आर्ट वर्क उसका हमको कमीशन मिला। काफ़ी लोग ना ये सोचते हैं कि रियलिस्टिक स्केच क्यों बनवाते हैं, पता नहीं लोग, इससे बढ़िया प्रिंट ही करवा लो। अगर पेंसिल से बिल्कुल सेम बनाना है तो जो स्केच है वो बहुत उभर के आता है, बिकॉज उसमें पेंसिल शेडिंग की है, पेंसिल से उसको बनाया है, तो जो पेपर के ऊपर ग्रेफाइट उसके ऊपर ऑप्ट हुई है उससे जो देखने में अफेक्ट आता है, और वो हाथ से बनाया है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है प्रिंट से। तो इसलिए लोग बनवाते हैं, जिनको वैल्यू पता है वो बनवाते हैं। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा पोर्ट्रेट स्केचिंग के बारे में, बिकॉज जो भी मैं कमीशन वर्क करता हूँ फिलहाल तो वो पोर्ट्रेट का ही करता हूँ। आपने देखा मेरी वीडियो में पोर्ट्रेट ही मैं ज़्यादा बनाता हूँ, तो मैं उसी कमीशन वर्क के बारे में बात करूंगा। कमीशन तो वैसे लैंडस्केप हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं। मैं ज़्यादातर पेंसिल स्केचिंग में करता हूँ बिल्कुल रियलिस्टिक, तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। पोर्ट्रेट में भी दो टाइप से कमीशन हो सकता है, एक तो आप क्विकली बनाओ, लाइव बनाओ, जो कि आपने देखा होगा कई जगह बैठे रहते हैं, मॉल्स में बैठे रहते हैं या फिर लेक के पास बैठे रहते हैं, जो कि आपका जल्दी जल्दी स्केच बना के दे देते हैं और वो काफ़ी कम चार्ज करते हैं। और एक होता है बिल्कुल रियलिस्टिक और बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक बनाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो दो तरह से पोर्ट्रेट होते हैं, एक तो जल्दी जल्दी उसमें पेंसिल के स्ट्रोक्स दिखते हैं, पेंसिल शेडिंग दिखती है, उसमें थोड़ा बहुत मैच कराना होता है और काफ़ी जल्दी बनाना होता है, वो भी एक स्केच होता है, वो भी एक पोर्ट्रेट स्केच ही होता है। बट जो मैं बनाता हूँ आपने देखा मेरे वीडियोस में बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक या फिर फोटो रियलिस्टिक, उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी दिन लगते हैं, तो उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। और चार्जेस डिपेंड करते हैं आर्टिस्ट की पॉपुलैरिटी पे भी डिपेंड करते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर, मान लो मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर आर्टिस्ट है, उसके आर्ट वर्क ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, अगर उसके पास कोई जाता है क्लाइंट और उसको जल्दी जल्दी कुछ बनवाता है तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा उससे, बिकॉज उसका उस आर्टिस्ट का नाम है। अगर वो कुछ जल्दी जल्दी बना के दे देगा उसको, चाहे कैसा भी बना के देगा, उसके बाद लाइन भी खींच के दे देगा ना जल्दी जल्दी कुछ भी, तो उसके भी चार्जेस वो काफ़ी ज़्यादा लेगा, तो पॉपुलैरिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। एनीवेज इस वीडियो में मैं पेमेंट के बारे में बात नहीं करने वाला, कि कितनी आप पैसे लो, कितने चार्जेस लो, उसके बारे में बात नहीं करने वाला, बिकॉज वो आप अपने आर्ट वर्क के हिसाब से लोगे, अपने पेशेंस के हिसाब से लोगे, जितना पेशेंस आपने दिखाया अपने आर्ट वर्क में, जितना टाइम लगाया उसके हिसाब से आपको खुद देखना पड़ेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप किन चीज़ों को फॉलो करो जिससे कि आपको कमीशन वर्क ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सबसे पहली बात तो कमीशन वर्क कर कौन सकता है, कोई भी कर सकता है जिसको पोर्ट्रेट अच्छे से बनाना आता हो। मैं पोर्ट्रेट के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको पोर्ट्रेट अच्छे से बनाना आता हो, जैसे कि मैंने बताया अगर जल्दी जल्दी बनाना आता है तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल फोटो रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक बनाना आता है तो भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको एकदम से ज़्यादा ज़्यादा कमीशन वर्क कोई नहीं देने वाला है ऑब्वियसली, तो आपको क्या करना है, आपको अपने काम पर फोकस करना है। आपकी जो भी प्रोफाइल है, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी है, वहाँ पे आप अपने बेस्ट बेस्ट आर्ट वर्क्स को पोस्ट करो। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में ही सीधा कमीशन के बारे में ना सोचो, अगर आप स्केचिंग स्टार्ट कर रहे हो तो, बिकॉज अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आप बिगिनर हो, तो अभी आप कमीशन के बारे में ना सोचो, अभी आप इंप्रूवमेंट करो अपने में। ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्रेट्स बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स को फॉलो करो, किस तरह से आप पोर्ट्रेट को बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका काम किसी ना किसी को तो डेफिनेटली पसंद आएगा, अगर आपने अच्छे से किया है तो। बट जो भी आपको कमीशन वर्क मिले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस पर अपना 100% दो, जो भी कमीशन वर्क बनाते हो उस पर पूरा 100% दो, बिकॉज जो क्लाइंट है आपका वही आपको दूसरा क्लाइंट ला के देगा। अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड है, बिल्कुल उसको बिल्कुल पसंद आता है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी अगर किसी को गिफ्ट करना होगा, किसी को देना होगा, तो वो आपसे स्केच ही बनवाएगा, या फिर जो आप स्केच बना रहे हो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ना, उसको कितने लोग देखेंगे। अगर किसी को पसंद आता है तो वो पूछेंगे ये कहाँ से बनवाया है, बहुत मस्त लग रहा है ये वो, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बस आपको जो भी बनाना है ना बिल्कुल 100% दो, चाहे उस पर आपको पेमेंट बहुत कम मिल रही हो, स्टार्टिंग में आपको कम ही मिलेगी, चाहे आपको फ्री में बनाना पड़े, स्टार्टिंग में फ्री में भी बना सकते हो, लेकिन दो अपना 100%। फिर आपको लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं मुझे बनाने के लिए, फिर चार्जेस लगा दो। मेरे साथ यूजुअली ऐसा होता रहता है कि अगर किसी को पसंद नहीं आया मेरा आर्टवर्क जो मैंने बनाया उनके लिए, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, कुछ भी मतलब उसमें चेंजेस नहीं करता हूँ, मैं दोबारा बना देता हूँ, बिकॉज क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास यूजुअली कमीशन वर्क एक ही क्लाइंट से काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, बिकॉज वो सेटिस्फाइड है, उसको पसंद आते हैं,
तो वो हर किसी को अगर गिफ्ट देना हो या फिर रिकमेंड करता है कि आप इसे स्केच बनवाओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको समझो तो जो भी आप कमीशन वर्क बनाओ उसमें पूरा पेशेंस के साथ बिल्कुल अच्छे से बनाओ, बिल्कुल अच्छे से सेम बनाने की कोशिश करो, बिल्कुल रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करो। सो गाइस, सबसे मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आपको काम इंप्रूव करना है अपना और पेशेंस के साथ काम करो। जितना ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करोगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन वर्क मिलेंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन वर्क आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम के थ्रू। अगर आप अपने पोस्ट को इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, जो भी आप ड्रॉ करते हो उसकी फोटोग्राफ बिल्कुल अच्छे से क्लियर अपलोड करो। तो आप मेरी प्रोफाइल देखो इंस्टाग्राम वाले, मैं उस पर कुछ भी अपलोड नहीं करता हूँ। मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ या फिर मैं कोई रफली बनाता हूँ वो चीज़ें मैं कभी भी अपनी इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करता हूँ। आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे तो वहाँ पे जो मेरे को स्केच मेरा अच्छा लगता है, मुझे उसकी फोटोग्राफ अच्छे से आ पाती है, वो ही मैं अपलोड करता हूँ, ताकि जो मेरी प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी लगे। कोई अगर कोई विजिट करता है तो उसको काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी सेटिस्फाइंग फीलिंग आए और उसको भी लगे कि हाँ यार, इसके काम तो काफ़ी अच्छा है, मुझे भी इससे स्केच बनवाना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की या फिर फेसबुक की, जहाँ पे भी हो आप उसको बिल्कुल अच्छे से बना के रखो, अच्छे अच्छे पोस्ट करो, ताकि लोगों को आपके काम पसंद आए और आपको कमीशन वर्क मिले। और क्लाइंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज हर किसी का माइंड डिफरेंट होता है, हर किसी की सोच डिफरेंट होती है। तो कोई तो आपको ज़्यादा तंग करेंगे, कोई आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। तंग मतलब जैसे आपने उनका मान लो आर्ट वर्क ले लिया, तो आपने बनाना शुरू किया, वो डेली डेली आपसे पूछेंगे अभी कितना हो गया, आप कितना हो गया, ऐसे बनाओ, इस तरह से मत बनाओ। तो इस तरह के क्लाइंट भी मिलते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है उनसे इतनी बात करने का, इतना कुछ करने का। जो अगर मेरे को सीधा सीधा पेमेंट करते हैं, सीधा सीधा मुझे कमीशन वर्क देते हैं, मैं उन्हीं के लेता हूँ। अदरवाइज कोई ज़्यादा ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाता हूँ किसी से, बिकॉज मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनानी होती हैं, व्लॉग्स बनाने होते हैं, और भी मतलब बहुत काम होते हैं, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। अगर कोई पूछता है इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या फिर मेल में मैसेज करके कि आप कितने चार्ज करते हो, मैं बताता हूँ। अगर वो पेमेंट करने के लिए रेडी है तो मैं बना देता हूँ। बिकॉज काफी लोग तो ओनली नंबर लेने के लिए, मुझसे बहुत देर तक बात करने के लिए ही ये बोलते हैं कि स्टार्टिंग में कि कमीशन वर्क बनवाना है हमको। और कई क्लाइंट तो ऐसे मिलते हैं, आजकल तो सारे सही मिल रहे हैं मतलब इस तरह से मिलते हैं कि मतलब पूछा और पेमेंट कर देते हैं और सीधा बनाया और दिया। कोई ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस नहीं, क्या बनाया तुमने, क्या यू किया, उनको ट्रस्ट है मुझ पर, बिकॉज मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पे भी दिखाता हूँ, व्लॉग्स में भी दिखाता हूँ, तो उनको ट्रस्ट होता है। अदरवाइज कोई ज़्यादा बात करता है मुझसे, ज़्यादा बात किसी से नहीं करी जाती है। और एक बात और मुझे कहनी थी, अगर आपके चार्जेस ज़्यादा हैं, अगर आप कुछ अच्छा दे सकते हो अपने क्लाइंट को, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एसिड फ्री पेपर यूज़ करो, जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है और सालों साल तक आपकी पेपर जो येलो नहीं होता है। और अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स यूज़ करो, मैं तो यूज़ करता हूँ टॉम्बो की, और जो भी टूल्स मैं यूज़ करता हूँ सारे एसिड फ्री होते हैं। तो मेरे चार्जेस हैं उसके हिसाब से भी मैं ज़्यादा लेता हूँ। ऊपर से मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरा नाम है, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी कमीशन लुक मिल जाते हैं। यूट्यूब पर मैं जब बोलता हूँ व्लॉग्स में या फिर वीडियोज़ में, तो काफ़ी मेरे पास मेल्स आते हैं कि मतलब हमारी वाइफ आपकी वीडियोज़ देखती है, उसको आपके आर्टवर्क्स पसंद है, उसको सिर्फ आप ही से कमीशन वर्क बनाने हैं। हमारे यहाँ भी काफ़ी आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनको सिर्फ बनाना आपसे ही है। तो मतलब ऐसे क्लाइंट भी मिलते हैं। तो गाइज हाँ, बस मुझे तो इसी तरह से मिलते हैं कमीशन वर्क। बट आप बिगिनर हैं, अभी आपकी अगर ड्राइंग इंप्रूव नहीं हुई है तो थोड़ा मुश्किल है आपको कमीशन वर्क मिलना। बट जो भी बातें मैंने आपको बताई, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं और डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कमीशन वर्क मिलेंगे। और आपका गोल ये नहीं रहना चाहिए कि मुझे डेली डेली कमीशन वर्क करने हैं, मुझे डेली डेली अर्निंग करनी है, ये आपका कभी भी गोल नहीं रहना चाहिए। तो फिर आप पैसे के पीछे ही भागते रहोगे, कमीशन वर्क के पीछे ही भागते रहोगे। आपका गोल ये रहना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव होना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्क्स इंप्रूव करने और इस फील्ड में अपना नाम भी बनाना। बिकॉज अगर आपका नाम अच्छा है तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन वर्क मिलेंगे। मेरी तरह मैं तो वीडियो में बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को कमीशन वर्क मिलते हैं, बट मैं समझ सकता हूँ कि आप सबको नहीं मिलते होंगे, बिकॉज मेरा तो नाम है, मेरी वीडियोज़ हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर हैं, बट आपके नहीं हैं, आपको नहीं मिलते होंगे। आपको मतलब काफ़ी कमेंट आते हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं कि हमको तो सिर्फ महीने में एक दो मिलते हैं, आप डेली डेली करते रहते हो, किस तरह से। तो मैं समझ सकता हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा। आप काम इंप्रूव करो, अपना जो कलेक्शन है स्केचेस का वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, वो आपको अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के पोस्ट देखोगे कितने सारे हैं, मैंने कितने सारे स्केचेस बनाए हैं। स्टार्टिंग में मेरे को भी नहीं मिलते थे, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मतलब रियलिस्टिक स्केचेस मैंने इतने सारे बनाए। अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोस देखोगे उस टाइम पे मुझे भी नहीं मिलते थे डेली डेली कमीशन वर्क, बट मैं फिर भी रियलिस्टिक कुछ भी मेरे पास फोटोग्राफ मिलती थी मुझे, मैं बनाता रहता था। तो मैंने वो कलेक्शन बनाया। अब अगर वो कोई देखता है, उसको पसंद आते हैं, तो वो मुझसे बनवाता है। मुझे बस यही कुछ बताना था आपको इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी पेमेंट कितनी लेनी है वो आप अपने हिसाब से देखो, मैं नहीं बताने वाला, बिकॉज आप जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे उतनी ज़्यादा पेमेंट ले सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।